स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का रांची को तोहफा। खुलेगा सीबीएसई का क्षेत्र कार्यालय, 43 कर्मी होंगे तैनात। 2 साल से इसके लिए प्रयासरत थे संजय सेठ। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने रांची समेत देश के 6 शहरों अहमदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता, लखनऊ और रायपुर में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का फैसला किया है। रांची को यह तोहफा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्थानीय सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिया है। वह पिछले 2 साल से इस काम के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। सीबीएसई का क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से अब झारखंड के विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों और स्कूल प्रबंधनों को बोर्ड से संबंधित काम के लिए पटना की दौड़ नहीं लगानी होगी। सीबीएसई द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अब केवल बिहार के स्कूलों से जुड़े काम होंगे। अधिसूचना के अनुसार रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 43 कर्मियों की तैनाती होगी। बता दें कि रांची समेत झारखंड में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों की संख्या 658 है। इन स्कूलों को बोर्ड से संबंधित हर काम के लिए पटना जाना पड़ता था। परीक्षा परिणाम के समय में विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत होती थी। इसे देखते हुए सांसद संजय सेठ ने 2022 में ही सीबीएसई से रांची में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का आग्रह किया था। उसके बाद से उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को झारखंड के लोगों की समस्याओं से अवगत कराया था। उनका यह प्रयास अब रंग लाया है। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से एक और नई ट्रेन की सौगात रांची लोकसभा क्षेत्र के लोगों को मिली है। टाटा से जयनगर तक चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन अब शुक्रवार को टाटानगर से शाम 6:50 को चलेगी और दूसरे दिन 11:30 पर जयनगर पहुंचेगी। टाटा से यह चलने वाली ट्रेन चांडिल, मोरी, कोटशिला, राजाबेरा, धनबाद, मधुपुर, जसडी, छाडा, किऊल, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी होते हुए जयनगर तक पहुंचेगी। वहीं शनिवार को यह ट्रेन जयनगर से टाटा के लिए चलेगी। इस ट्रेन के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया है। इससे चांडिल और मोरी के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।